Hello students, welcome to biology class. Students, today we are going to discuss about the new topic, new chapter, that is the cell. Students, आप लोगों ने cell का नाम सुना होगा. Do you know what is the cell? Cell is the structural and functional unit of living beings. It is the structural unit as well as functional unit of the living beings. यानी सेल से ही हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है और सेल के अंदर ही डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट माना जाता है. स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सेल, डिस्कवरी ऑफ द सेल, सेल थ्योरी एंड टाइप्स ऑफ सेल. दीज आर द फोर पॉइंट व्हिच आई हैव टू टॉक about this video. So we are going to discuss one by one. First of all, what is cell? Cell is a structural and functional unit of living beings. Student, discovery में हम पढ़ेंगे तो first of all Robert Hooke, he was a scientist. Robert Hooke, ये ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को. और डिस्कवर किस में किया था? जो कार्क होती है बॉटल में लगाने वाली, तो उस कार्क की थिन स्लाइस काटी, सेक्शन काटा और सेक्शन काट करके उसको माइक्रोस्कोप से स्टडी किया. तो हालांकि वो सेल से जो है डेड थी, लेकिन उन्होंने सबसे पहले सेल की स्टडी की और वो जो संरचनाएं नजर आई, हनी काम लाइक, दीज आर द चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर, तो इन्हीं को उन्होंने बताया था सेल. ये डेड सेल थी, इन्होंने डेड सेल की स्टडी की थी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन लिविंग सेल की स्टडी सबसे पहले एंटोनी वॉन लिवेनहाउ, इन्होंने सबसे पहले इसकी स्टडी की थी. एंटोनी वॉन लिवेनहाउ इन्होंने स्टडी की. तो दिस इज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सेल थ्योरी. सेल थ्योरी टू साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, स्लाइडन एंड स्वान. दीज आर द टू साइंटिस्ट who gave the cell theory. Students, ये दो साइंटिस्ट थे. पहले थे स्लाइडन 1838 और सेकेंड साइंटिस्ट वर स्वान 1839. इन लोगों ने प्लांट सेल और एनिमल, डिफरेंट टाइप की प्लांट सेल और एनिमल सेल की स्टडी, उसके आधार पर इन्होंने सेल थ्योरी दी. अब सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या थे? फर्स्ट पॉइंट था उसका कि ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स आर देयर कंपोनेंट, या तो सेल से बने हैं सभी लिविंग बीइंग्स या उनके किसी कंपोनेंट से बने हैं. सेकेंड पॉइंट क्या इन्होंने दिया कि न्यू सेल्स एराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी नई सेल्स जो है पुरानी सेल से बनती है, उनके डिवीजन से ही बनती है. तो ये दो मेन पॉइंट थे और ये दो साइंटिस्ट थे. इन्होंने स्लाइडन ने 1838 में और स्वान ने 1839 में, इन्होंने डिफरेंट टाइप की, दोनों लोगों ने प्लांट और एनिमल सेल की स्टडी की, उसके आधार पर इन्होंने सेल थ्योरी दी. रुडोल्फ वीरको एक साइंटिस्ट थे, रुडोल्फ वीरको, इन्होंने बताया था कि किसी भी नई सेल की उत्पत्ति, किसी भी नई सेल की ओरिजिन पुरानी पहले से उपस्थित या प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से ही होगी. ये मेन पॉइंट था जो कि रुडोल्फ वीरको ने दिया था. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेल. स्टूडेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर? जनरली हम लोग कहते हैं कि क्या सेल सारी सेल्स एक जैसी होती हैं या सेल्स में डिफ्रेंशिएशन होता है कुछ?
ये डिफरेंट टाइप की सेल्फ होती है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्फ स्टूडेंट देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ सेल्फ प्रोकैरियोटिक सेल्फ एंड यूकैरियोटिक सेल्फ। प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स डेवलप, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस मीन्स दीज आर द प्रिमिटिव सेल्स। प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स, यूकैरियोटिक मीन्स डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल्स। अब प्रिमिटिव टाइप किसको बोलेंगे और डेवलप्ड सेल्स किसको बोलेंगे? प्रिमिटिव टाइप की सेल्स जो होती है स्टूडेंट, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस न पाए जाने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। जो डीएनए पाया जाता है वो सेल में एक जगह पर पाया जाता है, जिस स्थान पर पाया जाता है उसे न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड बाकी जितने मेम्ब्रेन से घिरे हुए सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भी नहीं पाए जाते। यानी दीज आर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। इसी के अगेंस्ट में अगर यूकैरियोटिक सेल हम कोई स्टडी करते हैं तो इसमें एक डेफिनेट न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अगर प्लांट सेल हैं एक या दो वैक्यूल पाए जाएंगे, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो डबल मेम्ब्रेन से घिरे हों या सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकांड्रिया, लाइसोसोम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, ईआर, दीज आर द सब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एंड दिस इज द साइटोप्लाज्म। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, ये सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। और राइबोसोम्स में अंतर होता है, यहाँ पर 70S टाइप के और 80S टाइप के, दोनों टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं और वो भी साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि 70S टाइप के राइबोसोम जो पाए जाएंगे वो माइटोकांड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। दिस इज द क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज द माइटोकांड्रिया, इनमें 70S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे और जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है इसमें 80S टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे। यानी इसमें दोनों टाइप के राइबोसोम यूकैरियोटिक में और इसमें केवल सिंगल टाइप के राइबोसोम पाए जाएंगे 70S टाइप के। दूसरा क्या कि इसका जो डीएनए पाया जाता है ये फ्री पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म में तैरा करता है और इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं जुड़ी होती। ये मेन हिस्टोन प्रोटीन डज नॉट अटैच विद द डीएनए इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, बट हियर इन यूकैरियोट हिस्टोन प्रोटीन इज अटैच्ड विद द डीएनए। ये न्यूक्लियस के अंदर एक गोल संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं और इसमें जो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है ये क्रोमेटिन थ्रेड्स पाए जाती है न्यूक्लियस में। तो आपको ऐसे ही समझ में आ रहा होगा, काफ़ी अंतर समझ में आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनमें माइटोकांड्रिया है तो माइटोकांड्रिया पावर हाउस जानते हो, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है तो किचन ऑफ द सेल, वो भोजन बनाने का कार्य करता है, ये पावर हाउस है मतलब ऊर्जा देने का काम करेगा। तो जब ये चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं तो हाउ दी सेल्स क्रिएट एनर्जी, इनमें एनर्जी कहाँ से बनती है और हाउ कैन दे सर्वाइव? तो एनर्जी कहाँ से बनती है इसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस टाइप की संरचनाएँ पाई जाती, स्ट्रक्चर पाए जाते हैं इन्हें बोला जाता है मीसोसोम। दीज आर द मीसोसोम, मीसोसोम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द
प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, और दीज मिसोसोम्स आर ओरिजिनेटेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहां पर माइटोकांड्रिया का कार्य ये कर दिया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो भोजन बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, तो लेकिन उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। ब्लू ग्रीन एल्गी भी पाई जाती है, उनमें लैमिली पाए जाते हैं, यानी पतली पतली इस टाइप से लैमिली पाई जाती है, इनमें क्लोरोफिल के मालिक्यूल पाए जाते हैं, विशेष प्रकार के क्लोरोफिल मालिक्यूल। यहां पर क्या है, ये लैमिली। अब ये दीज लैमिली आर कवर्ड बाय दी डबल मेम्ब्रेन, यहां पर उनको कवर किया गया है, बट दीज लैमिली आर इम्बेडेड, डायरेक्टली इम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। यहां पर साइटोप्लाज्म में सीधे सीधे पाई जा रही है, तो ये भोजन बनाने का काम कर लेंगी। लेकिन अगर वो प्रोकैरियोटिक सेल भोजन नहीं बनाती तो उनमें लैमिली भी नहीं पाई जाएंगी, और वो या तो सैप्रोफिटिक होगी या पैरासिटिक होगी, यानी भोजन दूसरे तरीके से बनाएगी, या मरे हुए जीवों से अपना डिकम्पोजर के माध्यम से लेगी, और या सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के माध्यम से भोजन प्राप्त करेगी। सो दीज आर द सम मेन डिफरेंसेस अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट आई होप that you are able to understand easily about these things. Thank you.